नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के ईद उल फितर के मौके पे क्या आवाम से अपील करेंगे? आवाम जानती भी है, आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि ईद एक मिलन का त्यौहार है, एक मिलन का पर्व है और खुशी का माहौल है। इसमें दुश्मन से भी गले मिलने का हुक्म है कि आप दिल में किसी से कीना नहीं रखिए, आपसी इत्तफाक जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, बिना तफरीक मजहब व मिल्लत के आप सारे लोगों से दिल खोल के मिलिए और खुलूस से पेश आइए। खुलूस बांटिए, खुलूस दीजिए, प्यार कीजिए, प्यार बांटिए, यही ईद का त्यौहार का मकसद है। दरअसल मजहबी सूरत इसकी ये है कि हम लोग जो एक माह का रोज़ा रखते हैं उसमें जो भूखे रहते हैं उससे दूसरे की भूखों का भूखे का एहसास होता है कि भूख वाले लोग कैसे रहते हैं। और उसमें जो फितरा देने का हुक्म है वो इसलिए है, ज़कात देने का हुक्म है इसलिए है ताकि दूसरे को अपनी गुर्बत का एहसास नहीं हो और वो भी ईद को खुशी खुशी मनाए। ये खुशी का त्यौहार है, हमेशा खुशी बांटना चाहिए और नाइत्तफाकी तो दूर दूर तक इसमें नहीं रहनी चाहिए, यही है। और ईद को ईद की तरह मनाना चाहिए, यहाँ बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी बंटवारे के, बग़ैर किसी तोड़ फोड़ के आपसी इत्तफाक को कायम रखना, यही ईद का पैगाम है। ईद का मतलब ही होता है खुशी, तो खुशी में कोई लड़ाई तो नहीं कर सकता है, खुशी में हमेशा आपसी इत्तफाक को बढ़ावा देगा। कौमी यकजहती ईद का मेन पैगाम है, कौमी यकजहती को बरकरार रखना चाहिए। और हम लोगों के यहाँ तो हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं, आप देखते ही हैं, उर्स हो या ईद मिलन हो या कोई प्रोग्राम हो, उसमें सब मजहब के लोग हम लोग के यहाँ शामिल होते हैं। हर मजहब की बात कही आपने, आगामी 17 तारीख को रामनवमी भी है। हाँ ठीक है, उनको 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 हक है। हिंदुस्तान तो एक गुलशन है, गुलदस्ता है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ हर तरह के फूल हैं, तो हर फूल को खिलने का हक है, हर फूल को प्रोडक्ट होने का हक है, हर फूल को अपनी खुशबू देने का हक है। तो अपने अपने तौर पर सारे लोग खुशबू देते हैं और खुशबू से फैजियाब होना चाहिए, उससे नफरत नहीं पैदा करना चाहिए। क्या परिचय आपका? गुफरान अशरफी सज्जाशी खानकाह करीमा बीसो शरीफ के। ईद की क्या पैगाम देना चाहेंगे गया वासियों को, देशवासियों को? इस ईद उल फितर के मुबारक मौके पे मैं अपने पूरे गया शहर के बाशिंदों को और अपने पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बहुत ही अमन सुकून के साथ अपने पड़ोसियों का, अपने हमसायों का, अपने मोहल्ले के गरीबों का ख्याल रखते हुए बहुत ही प्यार मोहब्बत से खुलूस के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाएं और अल्लाह आप लोगों की दुआओं को और आपको आप लोगों की इबादतों को कबूल फरमाए। ईद उल फितर की नमाज दरगाह बीथो शरीफ की मस्जिद में सुबह 8 बजे होगी इंशाल्लाह। और बीथो शरीफ हुजरा मस्जिद जो जामा मस्जिद है उसमें 7 बजे होगी, 7:30 बजे सुबह ईदगाह भी तो शरीफ में होगी और दरगाह भी तो शरीफ की मस्जिद में सुबह 8 बजे होगी इंशाल्लाह ईद फितर की नमाज। परिचय। मैं अरबाब अशरफ सज्जादा नशीमा मुतवली दरगाह भी तो शरीफ खानकाह दुर्गेशिया अशरफिया चिश्तिया। फितर पे पीर मंसूर में कितने बजे नमाज की टाइमिंग है और क्या पैगाम देंगे देशवासियों को? मस्जिद पीर मंसूर में इंशाल्लाह तबारक व तआला 8 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी और ईद उल फितर में मिल्लत इत्तेहाद का पैगाम हमेशा कौम को दिया जाता है और साथ ही साथ ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के मौके पे सदका फितर के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से और दिगर मसाइल शरिया के ताल्लुक से लोगों को बाखबर किया जाता है, लोगों को दीन की जानिब रग़बत दिलाई जाती है, गुनाहों से बचने और नेकियों की जानिब लोगों का रुझान किया जाता है।
रना मोहम्मद तबारक नरजवी, खतीब इमाम मस्जिद पीर मंसूर। देशवासियों को अभी जिस माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं, ये रमज़ान शरीफ का आखिरी असरा चल रहा है। कल के बाद परसों जो है हम लोग ईद मनाएंगे, और इसके लिए जो ईद मनाने से पहले हमारे तरफ से सारे शहरवासियों को, महल्ले वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ रामनवमी भी है, साथ साथ रामनवमी है, तो रामनवमी का भी हम तहे दिल से लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोग खुशी खुशी त्यौहार को मनाएं, और आपसी भाईचारगी का एक जो है जो होता है उसको दिखाएं। क्योंकि अभी जगह जगह दो दिन पहले भी रामनवमी के लिए ही पीस कमेटी का मीटिंग हुआ है, उस कमेटी में हम लोग सारे लोग, सारे समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पर बातचीत नहीं की। प्रशासन की तरफ से हम लोगों को आश्वासन मिला, लोगों की तरफ से प्रशासन को आश्वासन दिया गया कि हम लोग भाईचारगी के साथ उसका जो है जो जुलूस हम लोग निकालेंगे, उसी को से निकालेंगे, यहाँ पर जिस समुदाय की ज़रूरत होगी उसकी मदद लेकर के हम लोग उसको संपन्न करा रहे हैं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम इस्लाम अहमद, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 24।